चाइना के अंदर क्रैश कर गया। पायलट की बॉडी चाइनीज मिलिट्री को मिल गई है, लेकिन करणवीर डोगरा का कुछ पता नहीं चला। शायद उसे चाइनीज मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया। अरे तो चाइनीज साइड को इन्फॉर्म करो कि क्रैश हुआ है। सर प्रॉब्लम ये है कि हेलीकॉप्टर नदी में क्रैश हुआ और उस दिन तेज बारिश और बहाव के कारण सारी रैकेज भी बह गई, कहीं कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड, मैं बनाकर अंदर भेजा है। और अगर ऐसा उन्होंने मान दिया तो वो लोग करण के साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो सोचने से भी डर लगता है। करण एक कमांडो है, पैरा कमांडो उसका सबसे बेस्ट कमांडो। पता है कमांडो क्या होता है, किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है? 65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपने इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है, उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, यह सब एक कमांडो के लिए आम बात है। बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन ट्रेंड है। सबसे बड़ी बात, जंगल को जानता है। मत देखना, सोचने से भी डर लगता है।